हटे ना तू घेज ना तो अपना घेज वही लोग हाँ जो हमला किया है अभी किया है इधर से लीजिए सामने से ये रुकिए ना हमको अपने जी आज का ये क्या घटना है ये सर मेरा घटना है रेणु देवी और दिनेश चौधरी जो है मारपीट किया और मेरा शटर को तोड़ दिया और तोड़ कर घंटी से भाला से जो बजा कम से कम 50 आदमी के अज्ञात आदमी था 50 आदमी कम से कम मेरे साथ मारपीट भी किया मेरे माँ से एक साथ मारपीट की मेरे भाई सब टोटल परिवार के साथ मारपीट किया घर में घुस कर सारा काम किया खिड़की तोड़ दिया सारा काम किया ये क्या वजह क्या है वजह यही है कि वो केस चल रहा है थाना में अभी कोर्ट में चल रहा है फिर भी लोग जबरदस्ती आके ताला तोड़ा पुलिस को सूचना वगैरह नहीं दी पुलिस को सूचना दिए सर फिर पुलिस नहीं आया पुलिस को सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं आया कौन लोग थे जो तोड़ दिए हैं लोग ये दिनेश चौधरी और सुजीत कुमार है जो रेणु देवी का है लड़का है सुजीत कुमार क्या सब नुकसान है जी सर नुकसान क्या सब है नुकसान बहुत कुछ है सर घर की दुकान का पूरा लूट लिया दो रात दुकान का जितना सामान भरा हुआ था वो सारा लूट लिया दुकान का और घर के किचन में खाली खाना बना रही थी उसमें का सारा सब सब सिलेंडर सब लूट लिया वो दुनिया के सारा दुकान का सामान जितना भरा पड़ा हुआ था सब सामान लूट के ले गया मेरा होलसेल दुकान मेरे साथ टोटल सामान का दुकान था मसाला नाम बताइए अपना मेरा नाम अवधेश कुमार है घर में सबके मसाला उसल्ला मोर मसाला सब लूट के सब सामान मारा पीटा है हाँ मारा है ना उतना दुनिया के आदमी आज जी रेणु देवी बनाम रामकृष्ण चौहान वगैरह में SDO ने जो आदेश निर्गत किया है 144 पर कर क्या है ये 144 की कार्रवाई के लिए मिठनपुरा थाना ने जो प्रतिवेदन SDO को सौंपा उसमें स्पष्ट लिखा है कि दोनों पक्ष का दस्तावेज देखा लेकिन चौहद्दी का कोई चर्चा उसमें नहीं किया और पूरे प्लॉट पर 144 के लिए लिख डाला SDO को कैसे पता चला उस प्लॉट का चौहद्दी क्या है जिसका चौहद्दी लिखते हुए उसने नोटिस जारी किया वो भी नोटिस द्वितीय पक्ष को प्राप्त नहीं हुआ अगल बगल से जानकारी के बाद द्वितीय पक्ष उपस्थित हुआ तो वहाँ शोकॉज देने के बाद उनको 144 की प्रक्रिया को 145 में कन्वर्ट करके दोनों पक्ष साक्ष लेना चाहिए और कानून के हिसाब से कानून से सहमत होते हुए उनको किसी तरह का फैसला देना चाहिए क्योंकि कानून कहता है कि पुलिस प्रतिवेदन पर जैसे ही प्रक्रिया लागू होगी वो सीधे 145 में कन्वर्ट होगी अगर संयोग से 144 चल भी गया तो उसको 145 में कन्वर्ट करके निर्णय लेना चाहिए और SDO का दिया हुआ कोई भी आदेश 144 में एडमिनिस्ट्रेटिव होता है जुडिशियल नहीं होता SDO न मुंसिफ है और न सब जज इसलिए वो किसी हकीकत का फैसला नहीं कर सकता उसने अपने आदेश में सीधा लिख दिया कि थाना प्रभारी कृपया ताला खोल दें और प्रथम पक्ष को कब्जा दे दें और द्वितीय पक्ष को वहां जाने से रोके तो सीधा SDO ने प्रथम पक्ष के वकील के दिए हुए सुपौज को ही आदेश में सुना दिया इससे साफ झलकता है कि SDO लॉ एंड ऑर्डर के पोस्ट पर नहीं लॉ एंड ऑर्डर के पोस्ट पर बैठा हुआ है जो सुशासन को बदनाम करने के लिए काफ़ी है
पुलिस उसके आदेश के तहत दिग्भ्रमित हो गई, डर गई, क्योंकि पुलिस में तो लिखा ही नहीं था कि हम ताला मारे हैं, हम ताला खोलेंगे। SDO ने कैसे आदेश दे दिया कि तुम ताला जाके खोलो, कब्जा कराओ। पुलिस नहीं गई, इंतजार करती रही। इसी बीच में रेणु देवी और बिहार सरकार को पार्टी बनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश जज के यहाँ रिविजन दायर किया गया 159/17, एडमिट कर लिया गया SDO के एक्टिविटी को देखते हुए, जिस पर सुनवाई 13 नौ को होना बाकी है। इसी बीच में बिना पुलिस को सूचना दिए प्रथम पक्ष ने आक्रमण कर दिया और सीधा तोड़ तार फोड़ फाड़ करके घुसपैठ बना ली। लेकिन कानून का सम्मान करते हुए, SDO का आदेश का सम्मान करते हुए जितने भी पक्ष के लोग थे वो कोई नहीं गए वहाँ पर, क्योंकि उनके ऊपर निषेधाज्ञा लागू था। लेकिन कलावती देवी, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं SDO ने किया, उसी की जमीन है, उसी का कब्जा है, वो वहाँ बैठी थी, इसलिए उनको लोगों ने मारपीट किया, लूटा, जबरन कब्जा किया, एक स्त्री विरोधी कार्य किया। और उसके द्वारा जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे साफ झलकता है कि SDO के आदेश के आड़ में पुलिस ने भी स्वीकार कर लिया, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चुनौती है और सुशासन के लिए सबसे बड़ा खतरा। जब जिला जज अपना निर्णय सुनाएंगे तो फाइनल कहा जाएगा, तो सीता मुजफ्फरपुर की धरती पर अनुमंडल अधिकारी ने जिस तरह से ये आनंद फानंद में अपना आदेश सुनाया है, उसको अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं मानती। अगर ये रिवीजन हाईकोर्ट में डाला गया रहता तो सीधा माननीय उच्च न्यायालय SDO को तलब करके जेल तक भेज सकती थी, कार्रवाई भी कर सकती थी। लेकिन ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ डाला गया है और रिवीजन के मामले में उच्च न्यायालय और जिला सत्र न्यायाधीश दोनों को बराबर का दर्जा प्राप्त है, इसलिए अंतिम निर्णय डिस्ट्रिक्ट जज के हाथ में चला गया। अब उच्च न्यायालय भी इस पर नहीं बोल सकती। लेकिन SDO के इस कारगुजारी और इस कार्यवाही को समाहर्ता को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम न हो जाए। SP को स्पष्ट रूप से, IG DIG को स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि इन मंडलाधिकारी के वजह से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो रहा है या लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हो रहा है। इसलिए SDO का यह आदेश जांच का विषय है और पुलिस का मूक दर्शक बना रहना ऐसा लगता है कि मुजफ्फरपुर की धरती कूटनीति और गैर राजनीति का शिकार होती जा रही है। अपना परिचय दीजिए। मैं अरुण कुमार चौधरी, माननीय उच्च न्यायालय पटना में